हेलो स्टूडेंट, काउंसलिंग का कराने का इंतज़ार सभी लोगों का ख़त्म होता है, क्योंकि अब काउंसलिंग की शेड्यूल का डेट आ चुकी है ऑफिशियल। तो ये उत्तर प्रदेश का शेड्यूल का डेट आया है, 8 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग। इसके ऊपर ये वीडियो नहीं होने वाला है, ये वीडियो मेरा होगा जो काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ने वाले डॉक्यूमेंट हैं उनके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर काउंसलिंग में कौन कौन से कागजों की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के ऊपर ये वीडियो होगा मेरा। यदि आपको शेड्यूल पूरा चाहिए तो इसके लिए मैं वीडियो स्पेशल बना दिया हूँ, चैनल पर जाके देख सकते हो आप, है ना। तो सबसे पहले काउंसलिंग के हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो काउंसलिंग में ज़रूरत पड़ने वाले डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे बिहार के बच्चे यूपी में काफ़ी एडमिशन लेते हैं, बिहार के, महाराष्ट्र के, हिमाचल प्रदेश के, मध्य प्रदेश के और काफ़ी अदर स्टेट के भी काफ़ी बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जनरल कोटे से ही अलॉट होनी है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट की टेंशन लेना। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं और आप उत्तर प्रदेश के ही निवासी हैं, और आप चाहते हैं कि मुझे रिजर्वेशन के थ्रू सीट अलॉट हो, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत है। और एक बात को और मैं बताते हुए चलूँ, गवर्नमेंट सभी उत्तर प्रदेश के 8 मेडिकल कॉलेज हैं, उन सब में केवल उत्तर प्रदेश के बच्चे ही एडमिशन ले सकते हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, वो उस कोटे से ले सकते हैं, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू तो ले सकते हैं, स्टेट लेवल के थ्रू, स्टेट काउंसलिंग के थ्रू नहीं ले सकते हैं। तो बात बता दूं कि आपको ज़रूरत पड़ेगा एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो लास्ट ईयर 1 अप्रैल से बाद का मांग गया था, लगभग काउंसलिंग होती है उससे 6 महीने के पुराना होना चाहिए। ज़्यादा पुराना है, 1 वर्ष पुराना है, 2 वर्ष पुराना है, आपका काम नहीं करेगा। यदि आपका ऐसा हो तो आप उसे नया बनवा लो, क्योंकि जिन बच्चों ने मेरे से पेड काउंसलिंग ली है उन बच्चों के सब के डॉक्यूमेंट मैंने नए बनवा दिए हैं, उन्हें काउंसलिंग में कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जिन बच्चों ने पुराने डॉक्यूमेंट थे, काफ़ी बच्चों के एडमिशन नहीं हो पाए थे, केवल यही 2 सर्टिफिकेट की वजह से, एक कास्ट सर्टिफिकेट, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो ये दोनों कागज नए बनवा लो, जिन बच्चों ने बनवा लिए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनवाए हैं तो नए बनवा लो। बाकी हाई स्कूल की मार्कशीट सबके पास ओरिजिनल होती है, कोई दिक्कत नहीं, इंटर की मार्कशीट सबके पास होगी, कितनी भी पुरानी हो वही काम करेगी। और ये दो सर्टिफिकेट नए, बाकी सभी डॉक्यूमेंट एनडीट का, एडमिट कार्ड, नीट का रिजल्ट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, इन सब डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और पर्टिकुलर एक मैं वीडियो और दे दूँगा जिसमें सभी डॉक्यूमेंट का लिस्ट आएगा, जैसे ही वेबसाइट पर लिस्ट आती है कि इन डॉक्यूमेंट की आप CD बना के रखो, इन डॉक्यूमेंट की आप एक मतलब PDF टाइप का या फिर एक PDF निकाल लो, सॉफ्ट कॉपी रखो, तो मैं आपको बता दूँगा। इसमें यही बता रहा था कि जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना है तो बनवा लो, अदरवाइज आप एडमिशन से वंचित रह सकते हो, क्योंकि वो ज़्यादा पुराना वाला होगा, 1 वर्ष 2 वर्ष पुराना होगा तो आपका नहीं मान्य करेगा, क्योंकि अब सब काम ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, वो ऑफलाइन भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, तो आपको बनवाना बहुत ज़रूरी है ना। ये वीडियो कैसा लगा हो और काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो आपको, तो हमसे संपर्क करना। चॉइस फिलिंग में दिक्कत आ रही हो, कॉलेज डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मेरे इतने नंबर हैं और मैं किस कॉलेज को फिल करूं और मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा, ये सारी समस्या यदि आपको आ रही है तो एक बार हमारा व्हाट्सअप नंबर भी चैनल पर लगा हुआ है और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक है, व्हाट्सअप दोनों ही हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। धन्यवाद।